की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। आशा वर्करों की हड़ताल 9वें दिन भी जारी। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोहतक के सिटी पार्क में इकट्ठा होकर डीसी ऑफिस के लिए प्रदर्शन करने निकली हैं आशा वर्कर्स। आशा वर्कर जेल भरो आंदोलन करेंगी, रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर। आशा वर्करों की हड़ताल जारी, 9वें दिन भी जारी है। गर्मी से दो आशा वर्कर बेहोश हो चुकी है। तो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर आपको दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से आशा वर्कर जो है प्रदर्शन कर रही थी, और आशा वर्कर्स जो बेहोश हो गई हैं उनको उपचार के लिए लेकर जाया जा रहा है। तो आशा वर्करों की हड़ताल 9वें दिन भी जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आशा वर्कर जो है, उन्हीं में से एक आशा वर्कर बेहोश हो गए जिसको की कुछ आशा वर्कर्स उठाते हुए लेकर जा रही। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हरियाणा न्यूज पर दिखाई जा रही है कि तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से आशा वर्कर जो है बेहोश हो गई है, और उसकी सहायता के लिए सभी वहां पहुंचे। और गर्मी भी ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से आशा वर्कर्स को काफी नुकसान जो है हो रहा होगा। सड़कों पर उतरी है प्रदर्शन के लिए, और आज 9वां दिन है उनके प्रदर्शन का। लगातार सरकार से मांग कर रही है अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आशा वर्कर जो है बेहोश हो गई, और बेहोशी की हालत में उन्हें उपचार के लिए ले जाया जा रहा है। तो आशा वर्कर आज जेल भरो आंदोलन करेंगी, आशा वर्कर्स की हड़ताल लगातार जारी है। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आशा वर्कर्स की हड़ताल 9वें दिन भी जारी है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि आशा वर्कर्स में से एक महिला जो है वो बेहोश हो गई है, जिनको की उपचार के लिए ले जाया जा रहा है। हर्षवर्धन हमारे संवाददाता रोहतक से जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन, आपसे पूछना चाहूंगी कि कितना गंभीर होता जा रहा है ये मुद्दा, आशा वर्कर्स जो है बेहोश होती हुई नजर आ रही हैं, उनकी तबीयत बिगड़ती नजर आ रही है, तो क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? देखिए खुशी, आपको बता दें कि जिस तरीके से आशा वर्कर्स ने पहले से ही अल्टीमेटम दे रखा था कि वो 15 तारीख को उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद अपनी गिरफ्तारियां देंगी, लेकिन बीच रास्ते में ही एक आशा वर्कर जो है बीच रास्ते में बेहोश हो गई थी, उसके बाद दूसरी आशा वर्कर जो है वो यहाँ बिल्कुल गेट के आगे पहुंचने के बाद बेहोश हो गई। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, और आशा वर्कर इस मांग पर अड़ी हुई है कि जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वो यहीं पर बैठी रहेंगी। हालांकि पुलिस की तरफ से डीएसपी रोहतक जो है वो यहाँ पहुंचे हैं, और उन्होंने ज्ञापन की मांग की है, लेकिन आशा वर्करों ने साफ ये कर दिया है कि वो किसी प्रकार का ज्ञापन नहीं देंगी, आप लोग गाड़ियां लगवाएं और उसके बाद हम लोग गिरफ्तारी देंगे। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, चांपा सिटी पार्क में इकट्ठा होकर डीसी ऑफिस के लिए प्रदर्शन कर रही हैं आशा वर्कर्स, और लगातार प्रदर्शन उनका जारी है जिसमें से कि एक आशा वर्कर जो है बेहोश होती हुई भी नजर आई है।